Yes, I'm Sanjeev Kumar Ojha. Today we discuss about why you invest in green energy. Some highlighted points are there. जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया थर्ड कंट्री है जो एनर्जी कंज्यूम करती है वर्ल्ड की, सबसे बड़ी कंपनी है, और इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर ऑफरिंग रैपिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. अभी ये ग्रोथ में है सेक्टर, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई देती है. और डिस्कवर द फाइव कॉम्पेलिंग रीजन व्हाई एनर्जी ग्रीन शुड बी योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. अब कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको देखें. ग्रीन ग्रोथ आइडेंटिफाइड इज वन ऑफ द नोड्स इन द सप्तऋषि सेवन प्रायोरिटीज. ये हमारी प्रायोरिटी ही बनती है कि ग्रीन ग्रोथ को हम आइडेंटिफाई करें और उसमें आगे बढ़ें. 2.4 बिलियन नेशनल हाइड्रोजन मिशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ 5 इलेक्ट्रिक टन बाय 2023. 36 मिलियन डॉलर एडिशन इन बजट एलोकेटेड. अभी जो बजट आया था उसमें 36 मिलियन डॉलर एलोकेट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नेशनल वाइज. और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज एलोकेशन ऑफ 19,700 करोड़. जो नेशनल वाइज मिशन चल रहा है उसमें एलोकेट किया गया है 19,700 करोड़. द गवर्नमेंट हैज अनाउंस प्लान्स टू इन्वेस्ट 1 ट्रिलियन इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बाय 2023. 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है. और अभी जैसे मार्केट शेयर लगभग 30% के आसपास चल रहा है ग्रीन एनर्जी में, वो बढ़ा के 50% करने का लक्ष्य है 2030 तक. ग्रीन एनर्जी सर्ज 12% वाइल कोल डिक्लाइन 8% इन द लास्ट डिकेड. अब देख सकते हैं 12% का इम्प्रूवमेंट आई है, जबकि कोल का जो यूज होता है वो डिक्लाइन हुआ है 8% लास्ट डिकेड में. इंडियाज ग्रीन एनर्जी सेक्टर हैज विटनेस इम्प्रेसिव ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड. द कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रीच 101.5 गीगावाट बाय फरवरी 2023. ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ में जा रही है कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में, और ये अपनी कैपेसिटी साल दर साल बढ़ा रही है. इंडिया एडेड 12 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन 2022, दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सोलर कैपेसिटी बढ़ाई है 2022 में वो इंडिया है 12 गीगावाट की. इंडिया करंटली हैज एन इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी ऑफ 66.7 गीगावाट एंड अ विंड कैपेसिटी ऑफ 42.6 गीगावाट विथ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी दैट सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड द फॉलिंग कॉस्ट ऑफ सोलर एंड विंड टेक्नोलॉजीज. इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ 750 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी एंड 300 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2023. मतलब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों के जरिए ये अपने कैपेसिटी बढ़ा रही है इंडिया गवर्नमेंट, और इसके लिए पीएलआई स्कीम भी घोषणा की थी लास्ट के 2 सालों में बजट में. और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गई, अदानी ग्रुप हो गया, टाटा की हो गई, ये सब मिलके इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रही है और ग्रीन एनर्जी में अच्छा इनोवेटिव काम कर रही है इंडस्ट्री लेवल पे. ईवी कंट्रीब्यूशन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 4% टू 30% बाय 2023. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंट्रीब्यूशन इंडिया में तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो ग्रोथ है वो 4% से 30% हो जानी चाहिए 2023 तक. ऐसा मानना है द एक्सेप्टेशन ग्रोथ इन ईवी सेल्स इज ड्रिवन बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंसेंटिव्स. जैसा कि मैंने बताया पीएलआई स्कीम दे रही है, उसके तरह इंसेंटिव मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से सभी कंपनियों को जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट बेनिफिट ऑफ ईवीज एंड द लॉन्च ऑफ न्यू एंड अट्रैक्टिव ईवी मॉडल लाइक टाटा टियागो ओला S1 ETC. जैसे टाटा ने टियागो लॉन्च की सबसे सस्ती ईवी कार, महिंद्रा ने भी ला दिया है रिसेंटली अनाउंस किया है, और ओला की टू व्हीलर सेगमेंट में ऑलरेडी आ रही है जो कि काफ़ी अच्छी मार्केट में अपनी पकड़ बनाए हुए है. द ईवी मार्केट इज प्रिडिक्टेड टू सप्रेस अ वैल्यू ऑफ $800 बिलियन बाय 2027. अब देख सकते हैं 2027 तक जो इसकी मार्केट की जो वैल्यूएशन प्रेडिक्ट की जा रही है
वो 800 बिलियन डॉलर की जा रही है, जो कि बहुत बड़ा है। इसीलिए सेक्टर में सभी बड़ी कंपनियां अपने हाथ आजमा रही हैं। और जैसे कि सभी पेट्रोल पंप जो एसपी वालों ने अलाउंस कर दिया है कि वे चार्जिंग स्टेशन ईवी के लिए मुहैया करवाएंगे। इसके अलावा कई नए स्टार्टअप हैं जो बैटरी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं मार्केट में। ओवरऑल काफी डेवलपमेंट चल रहा है इस सेक्टर में। दी 1.5 ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल एनर्जी मार्केट इज ग्रोइंग। अब ग्लोबली 1.5 ट्रिलियन डॉलर का एनर्जी मार्केट ग्रो हो रहा है। इनिच अपॉर्चुनिटीज आर इमर्जिंग विद द वर्ल्ड इंक्रीजिंगली एम्बेसिंग ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। दी दिस ग्लोबल ट्रेंड प्रेजेंट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर। अब इस सेक्टर में अगर आप पैसे डालते हैं तो वो आपके पैसे ग्रो होने के काफी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि ये अभी ग्रोइंग स्टेज पे है और पूरी वर्ल्ड दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी इस पे काम कर रही है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्हें तो जीरो कार्बन का भी अलाउंस कर दिया आने वाले कई सालों में, जैसे कि टाटा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इनका टारगेट है आने वाले दिनों में इनकी फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रीज से जीरो कार्बन उत्सर्जित हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। रेडी टू ज्वाइन द ग्रीन मूवमेंट, हियर व्हाट यू कैन डू। आइडेंटिफाई द टॉप ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स यूजिंग द स्टॉक स्कैनर। सिंपली चेक आउट द ग्रीन एनर्जी स्मॉल केस बाय निवेशिया निवेश। दिस स्मॉल केस इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक एंड विल बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोइंग एनर्जी सेक्टर। अब इसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली चाहे तो स्मॉल केस के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी की बहुत सारी कंपनियां, जैसे अदानी की है, ग्रीन एनर्जी है, रिलायंस ने भी एक्वायर किया है, सोलार है, और भी कई हैं जिसमें आप अपनी रिसर्च के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें। कैसी लगी जानकारी अवश्य बताइएगा। थैंक यू।